गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही सिंपल सी मिठाई की रेसिपी। और इस मिठाई का नाम है, इस रेसिपी का नाम है बेसन की बर्फ़ी। और इस रेसिपी को बनाना सीरियसली, जैसे मैंने अभी बोला, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो ये आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा कि कितना आसान है इसको बनाना। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब आपको कोई भी ज़्यादा मिल्क पाउडर, खोया, मावा, ये सब की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आप बिना झंझट, बिना किसी परेशानी के बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या इस रेसिपी की, ये कि आपको, मतलब जैसा आप होता है ना, कभी कभी मिठाई हम बनाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन वो बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, और वो इतनी बेकार बनती है कि आप किसी को देना तो दूर की बात, आप खुद तक नहीं खाना उसको पसंद करोगे। तो वो इसमें नहीं होने वाला है, बहुत ही आसानी से आप बना लोगे और बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। और ख़राब होने का या बिगड़ने का कोई झंझट, कोई टेंशन ही नहीं है, आप बेफिक्र होकर इस रेसिपी को ट्राई करना। तो चलो फिर फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा है गैस पर एक कढ़ाई और फ्लेम को कर दिया है लो। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे आधा कप घी। और ये घी आप देख सकते हैं थोड़ा सा जमा हुआ है, और इसी तरह का घी आपको लेना है, मेल्टेड घी मत लेना, वरना मेज़रमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो आधा कप घी आपको लेना है, और दो कप बेसन यहाँ पे मैंने लिया है, और दो कप बेसन इस कप के मेज़रमेंट से, जो आप ये ब्लैक वाला कप देख रहे हैं, इसी के मेज़रमेंट से मैंने लिया है। तो अगर आपके पास इस तरह के मेज़रिंग कप ना हो, तो आप इसकी जगह कोई भी एक कप सेट करो, और उस कप से, मतलब सेम मेज़रमेंट आपको ले लेना है। जैसे मैंने दो कप बेसन बताया, तो कोई एक कप सेट कर लेना और उसको, उसके अंदर बेसन डाल के आप उसको मेज़र कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, जिस कप से आप एक चीज़ को मेज़र कर रहे हो, उसी से आपको बाकी चीज़ों का भी मेज़रमेंट लेना होगा, समझ गए ना। तो इसी तरह से आपको मतलब चीज़ों को नापना है। तो मैंने बेसन को डाल दिया है यहाँ पे घी के अंदर, और घी के अंदर डाल के अच्छे से मिलाना है आपको, और इसको लो फ्लेम पर आपको भूनना है, यानी कि रोस्ट करना है। तो ध्यान रखना कि आपको लो फ्लेम पर ही भूनना है। अगर आपने फ्लेम हाई करके या फिर मीडियम करके भी भूना, तो आपके बेसन की बर्फ़ी में बेसन जैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि वो बाहर से भुन जाएगा लेकिन अंदर से नहीं भुनेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पर इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये घी ना सेपरेट करने लगे। देखो यहाँ पे घी जो है वो सेपरेट हो रहा है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो, पीछे दिख रहा है इसके चमचे के पीछे। तो इसी तरह से आपको इसे भूनना होगा। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसमें एक बंधा बंधा सा टेक्सचर आ गया है, एकदम मतलब बंधा बंधा सा, गुटलियाँ सी इसमें दिख रही हैं। तो वो जब इस तरह का टेक्सचर हो जाए आपके बेसन का, तो अब आपको इसमें डाल देना है सिर्फ और सिर्फ एक टीस्पून घी, और इससे ज़्यादा नहीं डालना। और जैसे ही आप घी डालोगे ना, ये इस तरह का, देखो, इस तरह से बैटर जैसा बन जाएगा। तो ये टेक्सचर जब आ जाए, तब आपको समझ जाना है कि इसमें एक टीस्पून घी की ज़रूरत और है। वैसे हो सकता है आपको ना भी पड़े, लेकिन अगर ये आपको डिपेंड करता है बेसन की क्वालिटी पे। तो यहाँ पे बेसन अच्छी तरह से भून गया है, कलर देख सकते हैं आप इसका, चेंज हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद भी आपको इसे चलाते रहना है 5 मिनट, क्योंकि कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही गर्म होती है। तो अगर आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये नीचे से बेसन जो है वो लग जाएगा या जल जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इस बेसन को टोटल जो टाइम लगा है भूनने में, वो लगा है 15 से 20 मिनट, और कुछ इस तरह का टेक्सचर हो गया बेसन का। तो बेसन इस तरह से भून के रेडी है, हम इसके रख देंगे साइड पे। तो अब हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1/3 कप पानी, और इसके बाद हमें इसमें डाल देना है 3/4 कप चीनी। और अब आप पूछोगे कि 1/3 कप कितना होता है भाई, तो मैं बता दूँ, 1/3 कप होता है आधा कप से थोड़ा सा कम, यानी कि 1 से 2 टीस्पून कम 1/3 कप होता है। तो सबसे पहले आप डाल के चीनी को मिला देना, ऐसी मत छोड़ देना, वरना क्या होगा कि चीनी घुलने से पहले ही इसमें तार बनने लगेगा। तो जब चीनी घुल जाए, तब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 इस तरह से कुटी हुई इलायची। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल, लेकिन इससे अच्छा एक खुशबू आ जाती है, टेस्ट आ जाती है, तो आप चाहो तो डाल देना इसे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इलायची को, अब देखो बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब आता है सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने वाला टाइम, क्योंकि अब आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की, काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इसमें तार बनने को होता है। तो इससे पहले मैं बता दूँ, इसमें मैंने डाला है 2 पिंच फूड कलर, ये पीला खाने का रंग है। तो ये भी आप डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालो, लेकिन इससे क्या होगा, कलर एक अच्छा आएगा बर्फ़ी में। तो आपको लगातार इसे इस तरह से चलाते रहना है, ध्यान रखना, और बीच बीच में चेक करते रहना कि इसमें क्या हाल है इस चाशनी का। देखो इस तरह से तार बनना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें एक तार बन रहा है, बीच में एक धागा बन रहा है। तो इस तरह से आपके चाशनी में एक तार बनना चाहिए, एक तार ही बनना चाहिए, मैंने बोला ना एक तार, तो एक तार ही
मतलब इससे ज़्यादा नहीं कि ये मतलब 2 तार 3 तार की चाशनी बना दी, 1 तार से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, वरना आपकी बर्फ़ी नहीं, बर्फ़ी की जगह आपकी मूंगफली की जो चिक्की होती है ना वो जम जाएगी, बहुत ही मतलब टाइट हो जाएगी आपकी बर्फ़ी। तो चाशनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसे रख देते हैं साइड पर, मतलब किनारे रख देना आप, गैस को बंद कर देना। तो यहाँ पर हमारा बेसन जो है वो ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं मैंने साइड पर रख दिया था। तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना कि आपको इसकी शक्ल मिलती जुलती किस चीज़ से लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको चाशनी डालना है जो हमने अभी बना के रखा था। तो अब यहाँ देखो दोनों चीज़ें ठंडी है, चाशनी भी ठंडी है और हमारा बेसन भी ठंडा है। अब आपको क्या करना है, इस स्टेज पे आपको दोनों चीज़ों को डालना है, मतलब दोनों चीज़ नहीं, चाशनी को डालना है इसके अंदर और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, फिर मिलाना है, फिर थोड़ा डाला फिर मिलाना है। तो आप यहाँ पर अपनी फुर्तीबाजी ज़रूर दिखाना, क्योंकि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको करना है, मतलब अगर आपने देर ज़्यादा किया तो ये कढ़ाई में ही जमना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे लिया था और इसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है। ट्रे मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसकी शेप जो है वो स्क्वायर होती है और बर्फ़ी जो है वो आसानी से मतलब कट पाएगी, उसका शेप अच्छा आएगा, सिर्फ इसी वजह से मैंने ट्रे लिया है। आप चाहो तो कोई भी थाली ले लेना, या फिर आप चाहो तो कोई भी स्क्वायर टिन जो होता है ना, स्क्वायर वाला केक टिन वो भी ले सकते हो, चौकोर वाला केक टिन। उसके बाद आप इसमें डाल देना और इसको आप चम्मच से इस तरह से इवन आउट कर देना, इस तरह से प्लेन कर देना। तो मैंने यहाँ पे बर्फ़ी का मिक्सचर डाल दिया, इसको अच्छे से मैंने प्लेन भी कर दिया, इस तरह से एकदम इवन हो गया ये स्मूथ बिल्कुल। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा लंबे कटे हुए बादाम लगा देंगे, इससे देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाना, क्योंकि इससे इसका इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर आप इसको चम्मच के पीछे वाले हिस्से से प्रेस कर देना, जिससे कि ये बर्फ़ी काटते वक्त गिरे ना। और अब हम इसे रख देंगे साइड पर सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे। फ्रिज में आपको नहीं रखना है, बाहर ही आप इसको रखें, बाहर ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, बाहर ही रखा था इसको और ये सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर शेप में पीसेस काटेंगे, जैसे बर्फ़ी की शेप होती है ना वैसे ही आपको इसके पीसेस काट लेने हैं। तो आप इस तरह से पीस काट लेना, अब ये आपके ऊपर, आपको पतले पीस काटने हैं, मतलब छोटे पीस काटने हैं या फिर बड़े। तो गाइस पीस आपको देखकर ही पता चल रहा होगा मेरे काटने से कि बर्फ़ी कैसी बनी है, एकदम देखो एकदम मक्खन जैसी बनी है ना, एकदम सॉफ्ट। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, मैंने आपको एक काट कर उठा कर भी दिखा दिया, बहुत ही मुलायम सॉफ्ट बनी है। और एक आप देख सकते हैं मेरे हाथ में यहाँ पे एक बर्फ़ी है, और इसका टेक्सचर आप देखें कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल मार्केट जैसी सॉफ्ट मुलायम बर्फ़ी। तो पास से भी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसा बर्फ़ी बना है, जैसे आपको बाज़ार में खाने के लिए मिलती है, बिल्कुल वैसे ही बेसन की बर्फ़ी बनी है। तो अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस रेसिपी में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, बेसन को भूनना, आपको बेसन को तब तक भूनना है जब तक कि उसमें से कच्चा फ्लेवर ना निकल जाए और उसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे। दूसरा चीज़, ये चाशनी की कंसिस्टेंसी, 1 तार की चाशनी बनानी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी चीज़, ये चीज़ों की मेजरमेंट्स, जितनी भी इंग्रेडिएंट्स आप इसमें यूज़ करोगे उसका मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, आपको जितना वीडियो में बताया है उसी हिसाब से सारी चीज़ों को लेना है। तो उसका सॉल्यूशन तो मैंने बता ही दिया, जिन लोग के पास मेज़रिंग कप नहीं है वो लोग कोई भी कप सेट करें और उसी से आप सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं अंदर से भी इस बर्फ़ी का टेक्सचर कितना अच्छा सॉफ्ट आया है, बिल्कुल ये बर्फ़ी बिल्कुल भी ऐसी सख्त सी टाइट सी नहीं बनी, ऐसा लगेगा आपके मुंह में कि आप ईंट पत्थर खा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं तो है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, जो टिप्स बताए हैं उस उनको फॉलो ज़रूर करना और फिर इस रेसिपी को ट्राई करना। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन बताना ज़रूर कि आपको क्या इस रेसिपी में पसंद नहीं आया। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।